दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साहबजादे यानी कि इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कहे गए हैं, और ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ कई और लोगों को भी बड़ा सदमा लगा है। ऐसे में कई लोग उनकी मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, और अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दुख भरा ट्वीट सामने आया है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस चमकते सितारे की मौत पर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के साहबजादे के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ था, और यहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की थी। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के करियर के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि एक्टर इरफान खान और उनके दोस्त सतीश शर्मा दोनों को ही क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। लेकिन आर्थिक तंगी ने इरफान को क्रिकेट लाइन के अपोजिट एक्टिंग करियर की ओर धकेल दिया। इरफान ने साल 1984 में नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप हासिल की, और यही से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी कम्प्लीट की थी। छोटे पर्दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करते हुए इरफान ने दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक चाणक्य के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग टीवी सीरियल्स में काम किया है। इन्होंने साल 1988 में आई क्राइम फिल्म सलाम बॉम्बे से फिल्मी मैदान में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दौर में ही इरफान पॉपुलैरिटी हासिल करने में नाकामयाब रहे थे, लेकिन हार न मानते हुए इरफान लगातार अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, और आखिरकार साल 2005 में इरफान की मेहनत रंग लाई। इन्होंने फिल्म रोग में इंस्पेक्टर उदय का मुख्य किरदार निभाकर यह साबित कर दिया कि ये भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, जिससे कई फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रभावित हुए थे, और इन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें थैंक यू, पान सिंह तोमर और हिंदी मीडियम जैसी सुपर ड्यूपर हिट फिल्में शामिल है। इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया से लेकर हॉलीवुड के फिल्मी मैदान तक भारत को प्रेजेंट किया है, और लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसके चलते आज इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में इनकी मौत की खबर ने ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को थमा दिया है। इन्होंने बुधवार 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। दरअसल इरफान खान कई दिनों से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब ये जंग हार चुके हैं। मंगलवार को खबर सामने आई थी कि इनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जिनकी मौत की खबर सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है, जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स और भारतीय राजनेता इस दुख भरी खबर पर अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, तो वहीं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद खबर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें अलग अलग माध्यमों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस तरह और भी तमाम लोगों ने अपने अपने दुख को व्यक्त करते हुए इरफान खान को श्रद्धांजलि दी है। तो दोस्तों, आप एक्टर इरफान खान के लिए कौन से दो आखिरी शब्द कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।